दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? यस मैम। एक्सप्लेन द रूल दैट, देखो, नो सेलर कैन गिव टू द बायर ऑफ गुड्स अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। इसका मतलब सोचो, है ना, डिकोड करो स्टेटमेंट को। देन ही हिमसेल्फ हैज। डिस्क्राइब, अब जो डिस्क्राइब में जो भी आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें क्या लिखा है, देखो, एक्सप्लेन द रूल दैट नो सेलर, कोई भी सेलर कैन गिव टू द बायर ऑफ अ गुड्स अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। देखो, जो गुड्स है जो हम सेल कर रहे हैं ना, उसका जो टाइटल है, टाइटल मीन्स व्हाट बेटा? ओनरशिप, याद रखना। तो सेलर से बेटर कोई दे पाएगा क्या? सिर्फ सेलर ही दे पाएगा ना बायर को, कि कोई और दे पाएगा उसको? मैम सैलर ही देगा। सेलर ही देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्क्राइब द एक्सेप्शन टू दिस रूल। सोचो, अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होगा, जैसे कि देन ही, ये क्या था, हिमसेल्फ है ना। डिस्क्राइब द एक्सेप्शन टू दिस रूल एज लेड डाउन इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट है ना, एक्ट। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से सब। व्हाट इज मीन्ड बाय एसर्टेन्ड एंड अनएसर्टेन्ड गुड्स, अंडर वॉट सर्कमस्टेंसेस बायर गेट्स द बेटर टाइटल देन द सेलर। देखो, बायर को क्या मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है, किससे बेटर, सेलर से। तो यहाँ पे जो एसर्टेन गुड्स और अनएसर्टेन गुड्स हैं, ये हमको किसको, पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के करना है, टाइटल ऑफ गुड्स के। और मैंने आप लोगों को एक बार एसर्टेन अनएसर्टेन गुड्स की लिस्ट लिखवाई थी, याद आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे, सॉरी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के टाइम पे, जब अपन यूनिट 3 का इंट्रोडक्टरी टॉपिक पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको उस एसर्टेन गुड्स अनएसर्टेन गुड्स सबकी पूरी एक लिस्ट करवाई थी। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप पढ़ेंगे अपन अभी, जो मैंने दो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल्स ऑफ गुड्स का, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो सेलर होता है अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, सेलर क्या करता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, किसको, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, गुड्स की, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हम अभी किसका पढ़ रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो मैंने पहले ही बताया था, ये जो गुड्स हैं ये हमेशा सेलर की क्या रहेगी, प्रॉपर्टी रहेगी, और वो सेल करेगा, इट मीन्स वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, किसको करेगा, टू द बायर, और किसके लिए करेगा, फॉर अ प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होगा क्या, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एक वर्ड याद रखना यूज होगा इसमें, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप।
नेक्स्ट देखो इसमें, अब इम्पोर्टेंस देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहां तक कोई डाउट है मीनिंग में तो पूछो पहले। नो मैम। और इसको हम बोल सकते हैं रूल्स इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर हमने एग्रीमेंट नहीं किया और उसके एब्सेंस में हमारे पास क्या राइट्स हैं, हम उसको वो भी बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर ओनरशिप या रूल्स इन, देखो एक वर्ड यूज कर रही हूँ, रिस्क प्राइमा फेसी, याद रखना पासेस, ये लैटिन वर्ड है ना, ये वाला पासेस विथ ओनरशिप। ये रूल ऑफ लॉ कहता है दैट कि जो रिस्क है एट फर्स्ट साइट, ये इसका मतलब एट फर्स्ट साइट और ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, पासेस विथ प्रॉपर्टी। ये वर्ड ना टोटल लॉ वाला वर्ड है ना, एकदम लॉ की लैंग्वेज है। इसका सिंपल सी मीनिंग क्या है पता है, देखो रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप, मतलब सिंपल सा वर्ड है, इसको इससे समझो, पासेस विद पास। जैसे ही गुड्स सेलर ने क्या किया, बायर को बेचा, तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस गुड्स की पूरी बायर की। वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, खराब हो रहा है तो भी उसका मतलब है, डैमेज हो रहा है तो भी उसका है, लॉस हो रहा है तो भी उसी का ही है। आ रहे समझ में, कुछ भी उसको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा किसका होगा, बायर का। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, अगर हमने कोई गुड्स खरीदा और उसके बाद उसको कोई डैमेज हुआ तो वो पूरी की पूरी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आ रहे समझ में? यस मैम। तो बस इतना सिंपल सा मीनिंग था उसका, उसका वो लॉ वाली लैंग्वेज थी। देखो मैं आपको ये वर्ड्स इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आप लोग एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि इतना टफ नहीं है करके, इससे आप लोग साइड साइड में उसको नोट करते चलो। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज, और ना ये सारे रूल कौन से हैं, अगर इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर हमारे पास एग्रीमेंट नहीं भी है तो ये वाले सारे रूल वैलिड रहेंगे। रूल इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इम्प्लाइड भी, समझ रहे हो, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मीन्स क्या, जो एज्यूम की जाती हैं चीजें, तो ये इम्प्लाइड हुआ कि नहीं हुआ एक तरीके से। सेकेंड देखो एक्सरसाइज ऑफ प्रोप्रिएटरी राइट्स, एक्सरसाइज ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स और एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। देखो प्रोप्राइटरी राइट्स, इसका मतलब होता है राइट टू ओन। प्रोप्राइटरी मीन्स क्या होता है, मालिकाना हक, ये अब हमारा राइट है, ठीक है, तो इट मीन्स राइट टू ओन। ओन मीन्स हमारा है ये, ठीक है, एंड हम उसको कंट्रोल करेंगे लाइक अ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स उसका मालिक है ना, उसका ओनर, और ओनर ऑफ सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अब जैसे ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो अब ये जो भी राइट्स हैं, ठीक है, ये किसको मिल जाएंगे, बायर को, ठीक है। इट मींस अब वो क्या कर सकता है, यहां पे ही कैन स्यू द सेलर। अब देखो जैसे ही उसके पास प्रॉपर्टी राइट्स आ गए, इट मींस उसने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, इसलिए अब गुड्स का जो ओनर है वो कौन हो जाएगा, बायर, खरीदार। तो अब वो चाहे तो सेलर के ऊपर केस कर सकता है ना, कोर्ट केस कर सकता है कोई डैमेज के लिए, या फिर अगर
उसने पेमेंट तो कर दिया है, गुड्स उसके नाम पे हो गए, लेकिन उसको अगर अभी तक गुड्स डिलीवर ही नहीं हुए हैं तो, समझ में आ रहा है? अगर उसके पास गुड्स डिलीवर ही नहीं हुए हैं तो वो क्या करेगा? दूसरी चीज, इसको बेच दिया है और सेलर ने इसको गुड्स डिलीवर करने के बजाय किसी थर्ड पार्टी को रीसेल कर दिया। इट मींस सेलर ने क्या किया? फ्रॉड किया, ठीक है? तो एक्सरसाइज ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स और एक्शन अगेंस्ट थर्ड प्रॉपर्टी, याद रखना। नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट, सेलर्स राइट फॉर प्राइस। हाँ, अगर बायर को ओनरशिप मिल रही है, ऑब्वियस है, तो सेलर को कुछ ना कुछ उसके बदले पैसे मिलने चाहिए, तो वो किसका राइट है? सेलर का राइट है। सेलर क्या हो जाता है? बिकम्स इंटाइटल्ड, सेलर बिकम्स इंटाइटल्ड टू रिकवर द प्राइस ऑफ गुड्स, रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं अपन इसमें, इनसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर और बायर। ठीक है, इनसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर और बायर। अगर कौन किसी सिचुएशन में सेलर या बायर दोनों में से इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इंसॉल्वेंट की मीनिंग बताओ कोई मेरे को। मैम पागल, इंसॉल्वेंट? नहीं बेटा, दिवालिया, सॉरी सॉरी, दिवालिया खुशी। हाँ, दिवालिया, वो इनसेन होता है ना, जो आपने वर्ड बोला अभी, है ना? ठीक है, तो इंसॉल्वेंट मीन्स व्हाट? दिवालिया। तो अगर दोनों सेलर भी और बायर या दोनों में से कोई एक होता है, तो उस समय उसका सॉल्यूशन क्या होगा? सिचुएशन पे डिपेंड होगा कि सिचुएशन कितनी खराब है। ठीक है, तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसाइड करेगी। ठीक है, तो जो कोर्ट होती है ऐसे सिचुएशन में ना, एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करती है। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो, याद रखना, जब इंसॉल्वेंट की प्रोसीडिंग्स चलती, इट मींस प्रोसीडिंग्स मीन कोर्ट में केस चलता है, है ना? तब ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करती है? ऑफिशियल रिसीवर असाइन करती है। अब वो डिपेंड करता है कि जो गुड्स हैं वो सेलर के होने चाहिए कि बायर के होने चाहिए। ठीक है, और क्योंकि ये कैसे डिसाइड करेगी? वो उनकी पेमेंट वेमेंट देख के डिसाइड करेगी, है ना? बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं रियल लाइफ की, सेलर ने अगर बेच दिया है बायर को, लेकिन बायर तो दिवालिया घोषित हो गया, बायर लेने से मना कर रहा है, तो कोर्ट पूछती है सेलर से, आप वापस रखना चाहते हैं कि नहीं? सेलर के पास रखना चाहेगा तो रख सकता है और इसको पैसे दे देगा इसके रिटर्न बायर को। अगर सेलर नहीं रखना चाहेगा तो कोर्ट किसको दे देगी? इसके ऑफिशियल रिसीवर को। ठीक है, और फिर वो उसको क्या करेगा? गुड्स को बेचेगा और उसके पैसे करेगा। तो ये डिपेंड करता है। तो ये चार रूल्स थे इसमें। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी ऑफ गुड मीन्स क्या होता है? व्हेन डज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, स्पेलिंग गलत है ये, पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर, लेकिन कब? व्हेन, ये चीज याद रखना। व्हेन डज मतलब कब, हो तो रही है बट कब। When does the property pass from seller to buyer? In a sale of goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intend to be transferred. Next, देखो इसमें ये क्वेश्चन, ये देखो, ये है मेन, मैं आपको जो बताना चाहती थी, रूल्स रिगार्डिंग ascertaining intention. इसमें देखो, इंटेंशन ऑफ पार्टीज, है ना, हम ये डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रूल्स फॉर एसरटेनिंग, द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज।
देखो, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, कब ओनरशिप कब पास होगी, है ना, ओनरशिप कब पास होगी और उसके क्या रूल्स हैं, अब ये है देखो, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स होंगे। मैंने अभी आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, व्हाट आर एसर्टेन गुड्स एंड अनएसर्टेन्ड गुड्स, किया था अभी मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस, तो और उसमें मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी लिखा था। इट मींस हमको अभी एसर्टेन गुड्स और अनएसर्टेन गुड्स प्रॉपर्टी ऑफ ओनरशिप के को ध्यान में रखते हुए बताना है। तो देखो, कब कब ट्रांसफर होगी ओनरशिप, उसकी कंडीशन है। पहली, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स होंगे जो डिलीवरेबल स्टेट में होंगे। देखो, गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी फाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। ठीक है, ऐसी सिचुएशन गुड्स की जिसमें बायर बाउंड हो जाता है कि उसको डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी। बायर कैसे बाउंड होगा, इसमें क्या लिखा है, पहली चीज, अगर गुड्स स्पेसिफिक हैं तो, इफ द गुड्स आर स्पेसिफिक। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो अनकंडीशनल है। लिख लो आप लोग ये पॉइंट, जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल वो क्या है, अनकंडीशनल है। तो याद रखना, जब भी बात करें स्पेसिफिक गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में, डिलीवरेबल स्टेट मींस वो अभी सेल करने की स्टेट में है, मतलब तुरंत तुरंत डिलीवरी करने के स्टेट में है। ऐसी सिचुएशन में जो ओनरशिप है वो तुरंत पास हो जाती है किसके पास, बायर के पास। तुरंत कब, जब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो गुड्स ऐसा है कि वो तुरंत डिलीवरी होगा। सपोज किसी ने सेकेंड हैंड कार खरीदी, कार रेडी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, सामने वाले ने पैसा किया, तो आप तुरंत उसको कार देंगे, तुरंत। तो गुड्स कौन से स्टेट में होने चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में। और स्पेसिफाइड गुड्स मतलब मेंशन होना चाहिए ये गुड्स, जैसे इसमें मैंने आपको मेंशन किया कि कार है, तो ये हो गया स्पेसिफाइड गुड्स। समझ में आया? और ऐसी कंडीशन में गुड्स स्पेसिफिक होते हैं, मैंने लिखवाया, और अनकंडीशनल होते हैं। देखो आगे, देखो नेक्स्ट देखें, यस मैम। देखो इसमें क्या लिखा है, रीड करो। क्या लिखा है, पढ़ो उसमें। नेक्स्ट, स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, ये सेकेंड कंडीशन। पहले वाली कंडीशन क्या थी, डिलीवरेबल वाली थी, अब ये वाली कौन सी है, नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। ऐसे गुड्स का सेल क्या है कि जो अभी डिलीवरी नहीं हो सकती है, उस गुड्स की अभी क्या नहीं हो सकती है, डिलीवरी नहीं हो सकती है। पहले क्या थी, डिलीवरेबल स्टेट वाली थी, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, नॉट डिलीवरेबल, समथिंग हैज टू बी डन बाय द सेलर टू पुट देम इन अ डिलीवरेबल स्टेट, प्रॉपर्टी पासेस ओनली व्हेन सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयर ऑफ। तो अगर वो गुड्स ऐसा है जो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो सेलर को उसका क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसी सिचुएशन में लाना पड़ेगा कि वो डिलीवरी हो सके, या उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। समथिंग हैज टू बी डन बाय द सेलर, ये देखो। नेक्स्ट देखो, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, ये पहले वाले से कंपेयर कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट वाले को ये सेकेंड वाले से कंपेयर कर रहा है। बट सेलर इज बाउंड टू वेट टेस्ट और टू डू सम अदर थिंग विथ रेफरेंस टू देम फॉर एसरटेनिंग द प्राइस, प्रॉपर्टी डज नॉट पास टिल सच एक्ट एंड द बायर हैज नोटिस ऑफ। नोटिस ऑफ के बाद क्या लिखा है बताओ, नोटिस ऑफ इट, बायर को उसका क्या होना चाहिए, नोटिस होना चाहिए। इस लाइन को कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? कोई भी? देखो,
समथिंग हैज टू बी डन बाय द सेलर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेलर को परफॉर्म करना पड़ेगा कि वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए, ठीक है, और उसका नोटिस बायर को देना पड़ेगा. इट मीन्स द फैक्ट दैट, और ये जो फैक्ट है कि सेलर ने गुड्स को ठीक कर दिया है और वो डिलीवरेबल स्टेट में, हैज कम टू द नॉलेज ऑफ बायर, और ये चीज अब उसको बायर को भी बतानी है. सपोज जैसे कि हम इसमें एक एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, सपोज राइस वाला एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है. अगर हम ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि हमको 15 बैग्स ऑफ राइस चाहिए, ठीक है, तो अभी उसने पैकिंग नहीं की है तो वो डिलीवरेबल स्टेट में है क्या, नहीं है, नॉट डिलीवरेबल, तो वो उसको कहता है कि आप हमको इवनिंग तक डिलीवर कर देना, ठीक है. तो सेलर कहते हैं जितना जल्दी हो सकेगा आई विल इन्फॉर्म यू, सिंपल. तो जैसे ही शाम तक सेलर उसको पैक करके रखेगा, उसका ये नोटिस किसको देगा, बायर को. तो जब उसने सेल किया था तब वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था, क्योंकि उसको 15 बैग्स ऑफ राइस को पैक करने में टाइम लगेगा. शाम तक उसने उसको पैकिंग करके रख दिया तो वो डिलीवरेबल सिचुएशन में आ गया, और इसकी इंफॉर्मेशन उसने उसको किसको दे दी, बायर को. आ रहे समझ में? यस मैम. देखो ज्यादा कुछ नहीं है, टफ इतना उसको मत लेके चलना. नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इसमें, रीड करो. अनएसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स. अनएसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स. मैंने जो लास्ट क्लास में एसर्टेन्ड और अनएसर्टेन्ड गुड्स की मीनिंग बताई थी वो आप लोग मेंशन करेंगे इसमें. आ रहा है समझ में? देखो इसमें क्या लिखा है. देखो उसमें एक चीज और ऐड करो, ये नहीं, ये जो हमने किया था इसमें आपको एक ऐड करवा रही हूँ कुछ चीजें, आप समझना उस पर. ये जो भी हमने अभी किया, ये रूल्स रिगार्डिंग है ना स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, इसकी फर्स्ट हेडिंग आप लोग देना, टॉप में हेडिंग देना आप लोग. ये किसके पॉइंट है, ये पॉइंट्स हैं व्हेन गुड्स आर स्पेसिफिक और एसर्टेन. याद रखना व्हेन, ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं ये किसके पढ़ रहे हैं, फर्स्ट व्हेन गुड्स, और अभी हमने इसमें तीन पॉइंट डिस्कस किए हैं ना, डिलीवरेबल नॉट डिलीवरेबल, दो पॉइंट्स, व्हेन गुड्स आर स्पेसिफिक और एसर्टेन्ड, ठीक है. इसके अंदर हमने ये फर्स्ट किया और ये हमने सेकंड किया.